आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की 3 सदस्यों वाली टीम अचानक बांदा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंची, जिससे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। कॉलेज पहले से ही अधूरे मानकों और खराब सुविधाओं की वजह से अपने तीसरे बैच की मान्यता 18 सितंबर को गवा चुका है, जिससे छात्रों के भविष्य की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारी किसी तरह टीम सदस्यों को मनाने में जुटे हैं। कॉलेज प्रशासन, MCI और कोर्ट के बीच मेडिकल छात्रों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया है। MCI बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है हमारे पास। क्लिनिकल मटेरियल भी धीरे धीरे दिन पर दिन प्रगति पर है, ठीक है ना। मेन जो कमी थी वो फैकल्टी की थी, कुछ उपकरणों की थी, सीटी स्कैन नहीं था हमारे पास, ब्लड बैंक फंक्शन नहीं था, तो काफ़ी हद तक तो हम उनको पूर्ण कर ले गए हैं। स्टाफ की कमी है तो स्टाफ के लिए भी सरकार प्रयासरत है, लोक सेवा आयोग अध्याचन जा चुके हैं, नई नियुक्तियाँ हो रही हैं, भर्ती की जा रही है, तो सरकार अपनी तरह से प्रयासरत है। और उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय और मांगा है। तो उन्होंने अपना इंस्पेक्शन गए थे अभी, उन्होंने OPD को, हॉस्पिटल को और जितना हमारा अकेडमिक ब्लॉक है वो उनके पूरे मानक होते हैं, उसके हिसाब से वो देखते हैं, वो एक एक चीज देखेंगे। अमरोहा में निजी कंपनी के एजेंट से बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े 3 लाख की लूट को अंजाम दिया, तो वहीं बदमाश बैग लूट कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की, तो वहीं बताते हैं कि एजेंट से 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फरखाबाद के शमसाबाद में दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के पहलवानों ने शिरकत की, तो वहीं आयोजन नगर पंचायत के चेयरमैन विजय गुप्ता द्वारा आयोजित कराया गया था। यहां हर कुश्ती पर देखने वाले लोग हजारों रुपए का इनाम लगा रहे थे। कासगंज के पहलवान को हराने वाले पहलवान को 21,000 का इनाम लगाया गया। दंगल को देखने के लिए नगर क्षेत्र के लोगों के साथ साथ आसपास के दर्जनों गाँव के लोग देखने के लिए यहां पहुंचे थे, तो वहीं सुरक्षा के इंतजाम भी पुलिस ने किए थे। रामपुर में हजरत सैयद अहमद अली शाह मियां और दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उर्स पाक शुरू हो गया, जिसमें पहले कुल शरीफ हुआ। इस मौके पर हजारों की तादाद में पहुंचे अकीदतमंदों ने अकीदत के साथ चादर पोशी कर दुआ मांगी। बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील में हजारों किसानों ने तहसील का घेराव किया। दरअसल ये किसान चोला क्षेत्र में UPSIDC द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते आज हजारों किसानों और सैकड़ों महिलाओं के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली और बुग्गियों में सवार होकर सिकंदराबाद तहसील पहुंचे और तहसील का घेराव करते हुए जमकर हंगामा काटा। किसानों की मांग है कि चोला के किसानों को UPSIDC को जमीन के सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा देना होगा। बलिया में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। यहाँ मनियर थाना के बहादुर गांव में भीड़ ने एक युवक पर एक महिला से लूट के आरोप में उसको पकड़कर रस्सी से पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की, तो वहीं ये तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसमें पुलिस भी यहाँ बेबस नजर आई और भीड़ युवक को पीटती रही। अब युवक को मेडिकल के लिए भेजा गया है, तो वहीं पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पूरे मामले में शौहर ने पहले दहेज के लिए अपनी बीवी को मारपीट कर दिव्यांग बनाया और फिर खत के जरिए 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाई है। हरदोई में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण गांव के बाहरी धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो गांव में किसी के बीमार होने पर कीचड़ भरे रास्ते से होकर मरीज को इलाज के लिए चारपाई पर लेकर जाना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1.5 किलोमीटर की ये सड़क न होने के कारण करीब 7,000 की आबादी प्रभावित है। ग्रामीणों के मुताबिक अगर ये सड़क 1 महीने में नहीं बनी तो लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।